पति के द्वारा रेलवे से लगातार उसकी चादर, तौलिए आदि चोरी किए जा रहे थे और इसकी पोल उसकी पत्ती नहीं खोल दी। मामला भोपाल से सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी के इंजीनियर की ट्रेनों से कंबल, चादर और तौलिया चुराने की ये खबर भोपाल से सामने आई है और इस खबर के बाद खबर को सुनने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। दरअसल एक महिला ने अपने पति के चोरी किए गए कपड़ों को वापस रेलवे में शिकायत करते हुए पहुंचा दिया। महिला राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। इस साल 12 जनवरी को ही उसका निकाह उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले अरशद नाम के युवक से हुआ था। अरशद भोपाल में ही एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। वह पत्नी के साथ भोपाल के एयरपोर्ट रोड स्थित दाता कॉलोनी में किराए पर रहता है। उसके घर से ही रेलवे के कंबल, चादर और तौलिए बरामद किए गए हैं। की पोल खोलने वाली महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिला खुद का नाम अफसाना बता रही है। उसने कहा कि मेरे पति घर में एक संदूक रखे हुए थे। जब वे काम के सिलसिले में बाहर गए और उसने वो संदूक खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। इस संदूक में रेलवे की 40 बेड सीट थी, करीब 30 तौलिया थे और 6 कंबल थे। ये सब कुछ पति ने रेल से चुराए थे। जब महिला ने इन्हें वापस करने के लिए कहा तो उसके साथ पति ने मारपीट कर दी। बहरहाल महिला ने इसकी शिकायत रेलवे में की और रेलवे के अधिकारियों ने घर पहुंचकर इस सामान को जब्त कर लिया है और अब वे पति के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। महिला इस बात से दुखी है कि उसने ठीक काम किया, इसके बावजूद पति ने उसके साथ मारपीट की। मेरा नाम अफसाना खान है और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। वो टेक महिंद्रा में एज इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब करते हैं और अभी मैं भोपाल 202 दाता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पे रहती हूँ। मैं ईद की सफाई के लिए मैं अपने घर को साफ कर रही थी और मेरे कमरे में एक संदूक था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। जब मेरे शौहर बाहर गए कुछ सामान लेने के लिए तो गद्दे के नीचे मुझे उसकी चाबी नजर आई। मैंने जब वो संदूक खोला तो संदूक के अंदर मुझे बहुत सारे कपड़े नजर आए उनके, और तो मैंने सोचा चलिए तय करके मैं रख देती हूँ। जब मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले तो उसके नीचे की तरफ मुझे रेलवे की बहुत सारी चादरें, तकरीबन 30 से 40 मुझे वहां पे तौलिए, उनके 6 कंबल मुझे वहां पे नजर आए, जो कि मेरे लिए अनडाइजेस्टेबल था कि ये सब चीजें क्या है। और इसी वजह से मैंने अपने, जैसे मेरे शौहर घर पर आए तो मैंने कहा उनको कि ये सब चीजें क्या है और ये सब यहाँ पे क्या कर रही है, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई काम नहीं है घर पे, और आपने ये चोरी किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा इस चीज के लिए, आप काइंडली ये सारी चीजें उन्हें वापस कर दीजिए। इसलिए ये पुरुष प्रधान देश है और तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं लगी, इसीलिए मैंने रेलवे पे फोन किया और रेलवे को कहा कि काइंडली आप अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए, ये मेरे घर पे रखी हुई, क्योंकि मेरे खानदान में, मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप सर्विस किसी जगह से ले रहे हैं तो आप ठीक है सर्विस ले रहे हैं, लेकिन चोरी करना मेरी समझ से गलत है। मैंने रेलवे पे इस चीज की कंप्लेंट रेज की और जब सारे सीपीआरएफ वाले आए सारी चीजें देखने के लिए तो पता नहीं व्हाई ही इज एग्रेसिव फॉर दिस एंड लाइक ही इज बीट, लाइक मुझे उस चीज के लिए चिल्लाना, मुझे उस चीज के लिए मारना, मुझे चप्पल ही चप्पल उस चीज के लिए मारना, मुझे समझ नहीं आया कि ये सब चीजें क्या है और मतलब मैंने क्या गलत किया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो रेलवे जो रेलवे की चीज है मैं रेलवे को ही वापस कर रही हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है।